अब 12th में क्या हुआ कि 9th 10th में ही मेरे घर की हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी फाइनेंशियल लेवल पे, और 11th 12th में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो 12th में कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक प्रेशर भी था कि मेरे को जल्दी से जल्दी कुछ करना है एज़ फार एज मेकिंग मनी इज़ कंसर्न्ड, पैसा भी कमाना है और जल्दी से अपने आप को कुछ करना है, मतलब ये नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं। तो 12th में जो मैंने पहला काम किया वो था कि 12th से निकलते ही मैंने एक हेल्पलाइन खोली थी। अब ये आप लोगों को पता नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि मैंने इस सब के बारे में बात नहीं करी, और मैं कोशिश करूँगा वही पॉइंट्स यहाँ पर टच करने की जो किसी को पता नहीं है अभी, जो मैंने किया नहीं। तो मैंने पैम्फलेट छपवाई 2500 रुपये के, उसमें था व्हाट टू डू आफ्टर 10+2 ? और वो एक हेल्पलाइन थी कि अगर आपने अभी 12th पास करी है और आप जानना चाहते हैं आगे क्या करियर चूज़ करना है तो आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं। मैंने अपने घर का लैंडलाइन नंबर दिया था और आप पूछ सकते हैं सर से कि संदीप सर से कि हमें क्या करना चाहिए, और वो संदीप सर कौन है, वो खुद 12th पास है। तो मैंने क्या किया था, इस तरह की जो और हेल्पलाइंस थी या जो और करियर काउंसलर्स थे वहां पर गया, क्योंकि जुगाड़ू तो मैं शुरू से ही रहा हूँ, तो वहां पर गया उनसे जा करके सारी इंफॉर्मेशन ले ली, वो लिख लिया सारा, बना लिया अच्छे से, रट लिया। कोई भी फोन आता था तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता था, लेकिन कई बार हो जाता था वो एंड में पूछते थे सर आपने क्या किया, आपको इतनी नॉलेज है। मैंने कहा अभी 12th के एग्जाम दिए हैं। उसके बाद बड़ी गालियां पड़ती थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब अगर कोई पूछेगा तो मेरे को सच बोलना है, घुमा फिरा करके नहीं, सीधा बोल देता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 2500 रुपये मैंने लगाए थे। इसका बिजनेस मॉडल मेरा ये था, आइडिया ये था कि यहाँ से मैंने एक इंस्टीट्यूट में टाइप कर लिया, एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था NIS के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। अब मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, मुझे था कि जल्दी कुछ करना है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है शुरू से ही, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे लोगों में होता है ना बड़ा पेशेंस होता है कि मैं पहले 3-4 साल तक ये पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये, मेरा होता है कि नहीं अभी करना है। 12th से निकला हूं, मेरे को ये नहीं था कि अब 3 साल करके फिर MBA करना है, मुझे था कि अभी करना है MBA। तो MBA के इक्विवेलेंट ऐसा क्या है जिसको अभी किया जा सकता है, तो उस टाइम पे मुझे NIS नजर आया, विच इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बट उसका करिकुलम बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सारा समझा और वहां पे एनरोल कर लिया। तो वहां पे जब मैंने एनरोल किया तो वैसे ही उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 20% मिलेगा। तो वहां से हेल्पलाइन वाला आइडिया है, बहुत सारे फोन आए, बहुत लोगों से बात करी, उसमें से फाइनली एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया था। तो वहां से मुझे 4500 रुपये मिले थे क्योंकि उसने 6 महीने का ज्वाइन किया था। तो 2500 लगाए और 4500 रुपये कमाए, किसने, 18 साल के लड़के ने जिसने अभी 12th के एग्जाम्स दिए थे। तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस। अब इसको क्या होता है, हम लाइफ में क्या करते हैं, हमेशा इमीडिएटली देखते हैं चीज़ों को कि इसका मुझे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो आप क्या कहोगे, अच्छा इसमें इसका मतलब 2500 लगाए और 4500 रुपये आए, मतलब 2000 रुपये कमाए। 2000 नहीं कमाए, यहाँ से मैंने एक एक्सपीरियंस कमाया, उस एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है, दैट इज सो प्रेशियस, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बात करना आ गया ना लोगों से, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, सोचो मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा उस टाइम पे, कि 12th में हूँ और 12th वालों को ही बता रहा हूँ, मतलब एक अलग ही किक आती है ऐसी हरकतें करते हैं। समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसी ये चीज़ हुई थी, ये पहला था एक्सपीरियंस। उसके बाद में मैंने NIS ज्वाइन किया, विच वॉज अगेन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पर क्या खास बात थी, वहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल था। मेरा शुरू से इंटरेस्ट इस चीज़ में रहा है कि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन अ डिग्री और अ डिप्लोमा और वट एवर इट इज़। मेरा शुरू से ये था कि कहीं से कुछ प्रैक्टिकल मुझे सीखने को मिले, शुरू से एक सीखने वाला एटीट्यूड रहा है। तो जब मैंने उनका पूरा करिकुलम समझा तो वहाँ पे बहुत सारे रोल प्लेज, ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, शायद ये सब जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ पे क्लास के सामने डर डर करके बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी है, रोल प्लेज हुए, ग्रुप डिस्कशंस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी ये कॉन्फिडेंस आया है। तो वो जो मैंने किया 1 साल तक, वो मेरे को अगेन बहुत हेल्प किया। उसको भी मैंने शायद बीच में छोड़ दिया था, हाँ शायद नहीं पक्का बीच में छोड़ दिया था। मतलब मेरा पता नहीं शुरू से ये रहा है कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो उसको पूरा कंप्लीट नहीं करता। 1 साल का था, बाकी सबने पूरा किया, 1 महीना पहले मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, जबकि बाकी सबका एटीट्यूड क्या था, क्योंकि वो सब कर रहे थे डिप्लोमा के लिए कि चलिए यार कंप्लीट करते हैं, कभी फ्यूचर में जॉब करनी पड़ी तो काम आएगा। मेरा ऐसा माइंडसेट था ही नहीं, मैंने कहा मेरे को सीखना था जो सीख लिया, अब आगे आने वाले 1 महीने में कुछ नहीं है तो 11 महीने में छोड़ दिया। ऐसे ही आई वॉज इन किरोड़ी मल कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का पंगा नहीं था। 2 साल किया अच्छे से, मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे। पहले साल में इट वॉज अराउंड आई थिंक 65% समथिंग, सेकेंड ईयर में इट वॉज अगेन अराउंड 60-62%। वही जैसे एग्जाम आ रहे होते तो उसके 1 महीने पहले वो सारी उठा ली, वो कुंजी होती है क्या क्या बोलते हैं, हाँ 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स उठा लिए, वो सब किया और जाके लिख के आ गए, अच्छे खासे मार्क्स आ गए। लेकिन 3rd ईयर में उसको भी छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना चाहिए, बट स्वभाव मेरे अंदर से आता था कि नहीं यार अब इसमें कुछ पढ़ा नहीं है,
कि इसमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आई यूज़ टू जस्ट लीव इट। इसके अलावा मैं एक बार जॉब के लिए, मैं बस एक ही बार इंटरव्यू के लिए गया था अपने एक दोस्त के साथ में, वो भी मज़े मज़े में, वो जा रहा था तो मैंने कहा चल यार मैं भी चलता हूँ। एक दिल्ली गुड़गांव रोड के ऊपर एक रेडिसन होटल है, वहाँ पर उस टाइम पे कुछ कॉल सेंटर्स के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे। उस टाइम पे नया नया ये BPO कॉल सेंटर्स ये नया नया शुरू हुआ था, अराउंड 20-21 ईयर्स बैक। तो मैं गया वहाँ पे, 5-6 राउंड थे और मैं शायद तीसरे राउंड तक पहुँचा था, फिर बाहर हो गया। व्हाटएवर, आई एम सो ग्लैड कि नहीं हुआ मेरा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आदमी अगर कंफर्ट जोन में चला जाए, एक बार अगर मेरे को लत लग जाती 18-19 साल के लड़के को, क्योंकि बाकी मैंने अपने दोस्तों के साथ में होते हुए देखा है कि एक बार वहां से पैसा आने लग जाता है 10-15 हज़ार रुपए, तो फिर वहां से निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है। तो ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट था जॉब से रिलेटेड, गया और नहीं हुआ। इसके अलावा और कहीं से मुझे जॉब मिले ऐसा कोई रास्ता, मैंने ऐसा कोई दरवाजा खुला छोड़ा ही नहीं था, जब डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, तो 12वीं पास को कोई क्या नौकरी देगा। तो कहने का मतलब है दरवाजे सारे बंद हुए पड़े थे। 12th के बाद ही, जस्ट बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था, 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज टू सिट इन एन ऑडियंस ऑफ अराउंड से 300 people, 500, 1000 people एंड यूज टू सी somebody टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन स्टेज कि ये वो whatever। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहाँ से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना एक अपलाइन होती थी, डाउनलाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपये भी आ जाए तो बहुत है, जहाँ ये सोच थी वहाँ पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूँ, ऐसे कमा लूँगा। तो वो किया लेकिन वहाँ पर फेल हो गया। वहाँ पर एक बंदे को मैंने अपने साथ में ज्वाइन कराया था, उसके बाद में घर वालों ने इधर उधर बड़ी धज्जियाँ उड़ाई थी कि भाई व्हाटएवर, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी कर दी थी मैंने ऑलरेडी और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर करी थी, स्पेशली अपने रिलेटिव्स के साथ में। जो मतलब यहाँ से मैंने ये सीखा है, और अगर आप मेरे से जानना चाहो तो कभी भी अपने से जो बड़े हैं उनसे ज़्यादा बड़ी बातें मत करो, क्योंकि वो बहुत लेते हैं, उनको आप माँ बहन की गालियाँ दे करके चुप नहीं करा सकते ना, जो रिलेटिव्स हैं। तो वहाँ पर चुप ही रहो। तो वो किया, उसके बाद में साथ साथ में KM के अंदर, दैट इज़ केरोड़ी मल कॉलेज जहाँ पर मैं था, वहाँ पर कुछ फैशन शोज़ करे एज अ मॉडल। ये KM में साथ साथ में चल रहा था मॉडलिंग का, उधर से मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जब मैं निकला, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उस कंपनी से निकला एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वहाँ पर एक लिक्विड सोप करके एक प्रोडक्ट होता था। तो मेरे माइंड में आया कि यार मैं खुद ही बना दूंगा लिक्विड सोप, क्या बड़ी बात है। मतलब वो 400-500 रुपये का था वो लिक्विड सोप की जो डब्बा था, तो मैंने खुद अपनी एक लिक्विड सोप मैनुफैक्चर करी इन द रेंज ऑफ अराउंड 10-15 रुपये की रेंज में, जिसकी कॉस्ट मुझे आती थी 5 रुपये के आसपास। तो दिल्ली में एक जगह है घंटा घर करके, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको अगर हम मिलाते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं और घोलते हैं तो एक बड़ी अच्छी एक लिक्विड सोप तैयार हो जाती है। तो मुझे लगा कि इसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स में फ़र्क ही क्या है, कि वो 400 रुपये का है और ये 10 रुपये का है, इसमें फ़र्क ही क्या है। तो मैंने अपने आसपास में जाकर के बेचना शुरू कर दिया, तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे में फूलों के साथ में लिक्विड सोप बहुत काम आएगी आपकी, फर्श साफ करना इससे अपने घर का। तो कहने का मतलब दैट वाज अ मल्टीपर्पज लिक्विड सोप, ये मैंने इन्वेंट करी थी, ये जो लिक्विड सोप है उसके कुछ टेस्ट कराए देखने के लिए कि जो मैंने बनाई है लिक्विड सोप और वो जो 400 रुपए वाली उसमें क्या फ़र्क है, कुछ सर्टिफिकेशन आए ये वो। तो कहने का मतलब बड़ा डीपली इसके अंदर गया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों से मिला करा, लेकिन ये भी फेल हो गया, चला नहीं। इसमें भी मजाक खूब उड़ा फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आ गया लिक्विड सोप वाला, आ गया वाला, आ गया। तो लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने कोई भी बड़े पंगे नहीं लिए लाइफ, अगर आप ध्यान से मेरी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, बड़े पंगे इन द सेंस कि कोई भी ऐसा पंगा जहां पर के बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो या एकदम से सड़क पे आ जाओ, धीरे धीरे छोटे छोटे पंगे। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी वहां पे 4-5 हज़ार रुपए लगे थे, तो दैट वाज नॉट अ बिग रिस्क। 2.5 हज़ार रुपए में पैम्फलेट निकाले थे व्हाट टू डू आफ्टर 10+2,
तो वो भी कोई ज्यादा मेजर नहीं था। लिक्विड सोप बनाई घंटाघर में जाकर के, इसमें भी कोई खास खर्चा नहीं, 500-700 रुपए लगे थे, प्लस बस में आना जाना 10-10 रुपए की टिकट, तो आप अगर लगाओ तो 1000-1500 रुपए उसमें लगे थे। तो कहने का मतलब छोटे छोटे पंखे, छोटे छोटे पंखे लेता चला गया। हाँ, पढ़ाई के लिए क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था NIS का, तो वहां पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट हुई थी जो मैंने घर वालों से पैसे लिए थे, दैट वाज अराउंड 50,000 जो वो कोर्स किया था, बट दैट वाज वर्थ इट। मतलब वहां से जो सीखा प्रैक्टिकली, दैट इज अमेजिंग, जो मुझे आज पता है कि वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है। एनीहाउ, फिर मैंने अपने एक दोस्त का पोर्टफोलियो देखा जो KM में मेरे साथ में था, वो भी एज अ मॉडल, उसने अपना कहीं से फोलियो बनवाया था, तो दैट वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फोटोग्राफी। और फिर फोटोग्राफी में मैंने शुरू में बहुत फ्री के शूट्स करे, अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के, इनके उनके पकड़ पकड़ के, आ जा भैया तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, बच्चा बड़ा बूढ़ा किसी को नहीं छोड़ा। मतलब जो भी मिल जाता था कि भाई मैं तैयार हूँ कराने के लिए, तो आज आप तू बस, और छोड़ता नहीं था उसको। मतलब ये नहीं कि अगर मैं फ्री में कर रहा हूँ तो बस उसका किया फटाफट से छोड़ दिया, नहीं। मतलब अगर वो सुबह आया है मेरे पास में, जब तक वो रो नहीं पड़ेगा, मतलब जब तक शाम नहीं हो जाएगी, शाम भी क्या, रात नहीं हो जाएगी, शाम इज अ रॉन्ग वर्ड, रात नहीं हो जाएगी, क्योंकि शाम तक भी क्या होता था, हल्की हल्की लाइट आ रही होती थी। जैसे हमारे घर के पास में एक छोटा सा एक पार्क था, वहां पर एक फाउंटेन सा बना हुआ था जो चलता नहीं था, पूरा गंदा सा था, वो मेरी बड़ी अच्छी जगह थी क्योंकि वहां पे एक लाइट लगी हुई थी, तो वहां पे अंदर फाउंटेन में ले आकर के बंदे को बिठा देता था, लाइट के पीछे से उसकी हल्की सी शक्ल, भयानक फोटोग्राफ्स, मतलब वो दिख रही होती थी, लेकिन तब तक भी थोड़ी थोड़ी फोटो आ रही होती थी, तो छोड़ता नहीं था उसको मैं। मतलब सुबह बुलाता था और शाम तक लगा रहता था। कहने का मतलब था, आई वॉज टू पैशनेट अबाउट वॉट आई वॉज डूइंग फोटोग्राफी, एंड आई वॉज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 25-30,000 रुपीज इन अ मंथ। मतलब नेट आप कह सकते हो 20-25,000 रुपए यहाँ से फोटोग्राफी से कमा रहा था, इतना काम चल गया था। फिर उसके बाद में एक और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई, वो मेरा एक फ्रेंड आया, उसके साथ में मैं गया, कहीं ना कहीं कीड़ा तो था ही। वो थोड़ा और बड़े लेवल की थी, वो बंद हो गई थी, उसका नाम मैं ले सकता हूँ, जापान लाइफ नाम से थी, तो वो उस टाइम पे बहुत चलती थी। मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग जो थी, दैट वॉज अराउंड 70,000 रुपीज की ज्वाइनिंग, और वहाँ पे गेम भी बहुत बड़ा था, मतलब इट वॉज लाइक बहुत बड़े लेवल पे थी वो जो कंपनी थी। तो फिर मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे, तो उसमें से कुछ पैसा तो जो बंदा मेरे को ले करके गया था उसने डाले, कुछ मैंने अपना कैमरा बेचा, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा लिया, ये लिया वो किया करके उस कंपनी के अंदर घुस गया। वहाँ पर 11 महीने के अंदर अंदर मैं एक ऐसे लेवल पे आ गया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब DD एक लेवल होता है, वहाँ पे लेवल्स होते हैं। तो मेरा एक नेटवर्क बन गया था करीबन 125 लोगों का, एंड आई वॉज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 1-1.25 लाख रुपये महीने का एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन अंदर से आया कि नहीं, अपनी खुद की कंपनी खोली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो इस डिसीजन को सुन करके घर वाले थोड़ा घबरा भी गए थे, सबकी सजेशन यही थी कि इतनी आफत क्या है, 4-5 महीने बाद कर दियो रिज़ाइन। समझ रहे हो ना कि मतलब इतना काम किया है तो 11 महीने में रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है, मतलब यू कैन वेट फॉर अनदर 5-6 मंथ्स, तो 6-7 लाख रुपये वहाँ से आ जाएगा, तो कुछ होगा पैसा, फिर रिज़ाइन कर दियो। मैं कहा नहीं, अब मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे तो अब यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, देर इज नथिंग मोर हियर, यहाँ पर जो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ और हो सकता है। तो वहाँ से रिज़ाइन किया और फिर अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। सेल वाइज देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल हुई वो कंपनी, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया, जो लगाया था वो भी गया, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन दी पार्टनरशिप विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर। उसके बाद में मैंने वहाँ से जब निकला तो मैंने अपनी एक बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो आपने देखा होगा सेमिनार के अंदर, उल्टी किताब, वो भी फ्लॉप हो गई, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर वापस से मेरा एक बहुत पुराना एक फ्रेंड है, अपना कहीं से फोलियो बनवा करके लाया, तो उसका मैंने फोलियो देखा करा, तो वापस से याद आया कि अरे मैं तो फोटोग्राफर हूँ मैं बैठ करके दुखी क्यों हो रहा हूँ। फिर मैंने वापस से कैमरा खरीदा और वापस से कुछ लाइट्स वगैरह खरीदी, और बेसिक ही अपने घर में ही अपने कमरे में, टॉप फ्लोर पे मेरा एक कमरा था, उसी में मैंने सारे बेड वेड हटा के और हल्का सा बैकग्राउंड लगाया, 2 लाइटें लगाई और कैमरा लिया और शुरू। तो वापस से आई स्टार्टेड मेकिंग 30-40,000 रुपीज़ अ मंथ, लेकिन फिर उसमें एक लेवल पे आकर के अटक गया। तो फिर उसके बाद में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया फोटोग्राफी के अंदर। उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं आई थिंक बता चुका हूँ लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में, तो मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। एंड आई बिकेम द बिजिएस्ट फोटोग्राफर, आई विल नॉट से द बेस्ट फोटोग्राफर, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स बैठे थे वहाँ पर, बट आई बिकेम द बिजिएस्ट फोटोग्राफर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज दैट आई वाज डूइंग। मतलब बहुत सक्सेसफुल हो गया वहाँ से।
और आप कह सकते हो बहुत ही कम टाइम में बहुत तेज़ी से वहाँ पे मैं ग्रो करता चला गया। लेकिन फिर अंदर से आया कि नहीं अब ये मज़ा नहीं आ रहा है ना। जब पीक पे था वो काम, मतलब उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली के आप कह सकते हो वी वर द टॉप एजेंसी इन दिल्ली, दैट वॉज अगेन अ बिग शॉक फॉर एवरीबडी। ये क्या बदतमीजी है, ये काम जहाँ पर इतना कुछ आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे डिसीजन होते हैं, मतलब ओवरनाइट मैंने कहा कि नहीं ये बंद हो रहा है, तो वो बंद कर दिया, स्टॉक शूट करने शुरू कर दिया। इमेजेस बाजार के ऊपर काम शुरू हो गया था इन द ईयर 2005। दिस वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि अगर ये नहीं करता तो आज भी मैं फोलियो शूट कर रहा होता, जहाँ पे पैसा तो बहुत आ रहा होता लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन जीरो होती लाइफ में। तो वहीं पे मैंने कॉल ले लिया कि आज के बाद हम मॉडल से एक रुपये भी नहीं लेंगे, कोई पोर्टफोलियो नहीं होंगे हमारे यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं, स्टॉक शूट करेंगे। वो आइडिया कैसे आया था, क्या था, वो मैं पहले अपने सेशन में बता चुका हूँ। फिर उसके ऊपर 2005 में काम शुरू हुआ, 2006 में लॉन्च हुई जो वेबसाइट है हमारी, एंड इट वॉज अ बिग डिजास्टर। वो बुरी तरह से फेल हो गई, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था कुछ महीनों तक, 6-7 महीने तक। क्यों? क्योंकि आईटी की मेरे को नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद में मैंने खुद डीपली समझा सारा कि भाई ये क्या होता है, कैसे डेटाबेस डिज़ाइन होता है, कैसे क्वेरीज बनती हैं, क्या लैग्स हैं, क्या बग्स हैं, क्या है सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, ये वो सारा समझा। साइट को पूरी तरह से रिवैम्प किया, साइट ठीक हुई, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। वहाँ से फिर इमेजेस बाजार आगे बढ़ता ही चला गया एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। वी आर द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड एज फार एज इंडियन कॉन्टेंट इज कंसर्न, इंडियन वीडियोज इन इंडियन। तो ये है अजीबो गरीब सी कहानी मेरी। चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।